संभल, खेतों पर फसल देखने गए युवक को गांव के ही तीन लोगों ने रंजिशन मारी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। संभल जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव चंदनकटी मौजा में एक युवक को उस वक्त गोली मार दी जब वह अपने खेत पर अपने धान की फसल देखने गया था। हमलावर गांव के ही बताए जा रहे हैं। तीन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए गांव के ही तीन लोगों को नामजद किया है। आपको बता दें, चंदनकटी मौजा के रहने वाला हुकम सिंह पुत्र रतिराम अपने खेत पर धान की फसल देखेगा। बाजरे की खेत में आग लगा बैठे गांव के ही तीन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली हुकम सिंह को लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए घायल हुकम सिंह के चाचा ने बताया कि गांव के ही तीन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और तीन लोगों को नामजद करते हुए उन्होंने पूरे मामले पर जानकारी दी है। वहीं दूसरी घटना उसी गांव में मेड़ के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई इलाज के लिए भेज दिया है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चंदनकटी मौजा से गोली लगी है। कौन है तुम्हारे? मेरा भतीजा है। क्या हुआ है? गोली लगी है। कैसे लगी है? ये टेबल पर गया था धानों में देखने, इसके बाहर में से गोली मारी है। किसने मारी थी गोली? इसने गोली मारी है। एक स्वामी है, एक महाराम है, एक नीरज। क्या रंजिश थी उनसे? उनसे रंजिश ये है कि मेरा अभी पीछे विवाद चल रहा है उनसे। किस बात को लेकर बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि उसने उससे ये विवाद था मेरा कि मरने वाले ये मारने को तो मेरे लिए थे जी। तो ये गोली किसने चलाई है? मैन जो आरोपी है इसमें? मैन आरोपी है नीरज। गोली चलाई थी? हाँ जी। कितनी गोलियाँ मारी? इसमें दो फायर करी है, एक गोली इसके लग गई। गांव का ही रहने वाला है? हाँ, गांव का रहने वाला। मेरा नाम रतिराम है। आज जो युवक की गोली लगी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है भाई, मैं इस टाइम दिल्ली था, इस टाइम मतलब इनका कोई झगड़ा हुआ जी। कुछ तो जानकारी, जैसे सूचना कैसे मिली आपको? सूचना मुझे ऐसे मिली कि इन्होंने ये किया कि हमसे नीरज का झगड़ा हो गया जी। तब हम आए तो इससे मतलब अब से चार दिन पहले से आदमी लग रहे थे, एक दिन ये घेर भी लिया था। तो हम सारे गाँव के जंगल में गए, वो हाथ नहीं आए। आज ये ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, खेत में ये घेर लिया। मैं था यहाँ बेजू में। किसने मारी थी गोली? बदमाशों ने। पहले कोई रंजिश चल रही थी क्या आप लोग? पहले रंजिश कुछ नहीं थी। बदमाश कौन है, कुछ जानकारी है? कौन बदमाश है? नहीं, हमें यारी कोई जानकारी नहीं है। पहचाने होंगे तो इस लड़के नहीं पहचाने होंगे, हमारे सामने का वाक्य है। आपका रामजीमल, क्या हुआ है, कैसे चोट आई आप लोग? चोट क्या, हमारे तो ऐसे आई जैसे मतलब ये लड़ाई लड़ रहे थे अभी मेड़ पर। हमारा एक भाई घेर लिया था वहाँ खेत पर, तो हम तो उसे देखने जा रहे हैं क्यों फिर चलो बचा देंगे, इनकी क्या फायदा लड़ाई करें। तो इनका वहीं घर था, हम इनके घर पर पहुँचे, इन्होंने घर पर हमारे मतलब हम रीते आतन थे, लाठी थी। तो कुछ कारण तो होगा, इतना बड़ा झगड़ा किया, इतनी चोट आई मेड़ के पीछे। मेड़ के पीछे झगड़ा हुआ? हाँ, मेड़ के पीछे झगड़ा हुआ था भाई। हम इन्होंने अपने घर पर। क्या नाम है आपका जी? उल्फत। हाँ उल्फत जी, कैसे चोट लगी है ये? क्या सर, मैं मेड़ पर घूम देखने गई, जगह 50 आदमी है बोलो कई, और मैं कहूँ साहब के हम मेरे भाई और मैं और मेरे घर वाले तीन चार आदमी हुए। हमने कहा भैया हमारे भाई चोट लौट रहे हो, तो एक मैं पहले गांव वाले 20 आदमी के मेड़ बांध के आए कि तैयार ना आए आदमी ने, मैंने बुने बुलाया के लाओ भैया तुम सीधे घिट्टे आके चुँ आए, फिर भाई लौट जो मुझे दिखाए हो ये सभी लोग चार आदमी दिखा लो। दिखाने के बाद में बाबू जी मैंने ये कही, मैंने कही चार आदमी मेहरबानी का कुछ वाला आओ भैया, ये ठिया मत खेलो, ये पुराने ठिया पटवारी के हाथ के और चकबंदी के हाथ के ये चो खेल रहे हो तुम, तो कह मत खेलेंगे तेरी बहन को चो दो। और तो साहब मेरे लड़का मारो, मेरे घर वाले भी गिरा लीजिए और जो मेरे भाई गिरा लो मेरे देखो ये मैं सर वहाँ डाल गए ये 50 आदमी हम चार आदमी तो क्या करते बताओ है। गरीब भैया को ठिकानो है और पूरा ये सर पूरा 50 थाने में शिकायत की है? थाने में शिकायत की है? थाने में सर मैंने यही बात कही, अभी कोई भी बात नहीं मुझे कैसे हूँ, मैंने नाम लिखवा दें बाबू जी संग में और वहाँ अमनीश भाई साहब काम में पहुँचे। नहीं थाने में शिकायत की नहीं अभी, आप सीधे अस्पताल लाए गए हैं अभी? हाँ जी, इस अस्पताल